जिला शिक्षा विभाग द्वारा चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की उपमंडलीय स्तरीय बाल विज्ञान प्रतियोगिता का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ी में आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 90 स्कूलों के 600 नन्हे विज्ञानकों ने भाग लिया, जिसमें इन विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबाल एवं अन्य अध्यापकों व प्राध्यापकों ने प्रदर्शित मॉडलों का भी अवलोकन किया। इस प्रतियोगिता में दिव्यादर्श विद्या पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोटा के विद्यार्थियों आनवी तथा पलक चड्डा ने जूनियर क्विज में प्रथम, अर्चित तथा अभिषेक ने सीनियर क्विज में प्रथम, मयंक ने सीनियर बिंग मैथमेटिक्स ओलंपिक में प्रथम, रिया ने जूनियर बिंग मैथमेटिक्स ओलंपिक में द्वितीय स्थान हासिल किया। विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में कक्षा जमा दो की छात्रा अदिति ने तृतीय स्थान हासिल किया। इसके अतिरिक्त ये सभी विद्यार्थी हमीरपुर में 21 से 23 अक्टूबर तक होने वाले जिला स्तरीय प्रतियोगिता में ब्लॉक बरसद से दिव्या आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन उपलब्धियों पर स्कूल प्रबंधक निदेशिका सुरभि भारद्वाज, स्कूल प्रधानाचार्य जोगिंदर पाल शर्मा ने अपने अपने संबोधनों में विद्यार्थियों को भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए आज से तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया था। स्कूल में साइंस क्विज मास्टर पंकज कुमार तथा उनकी टीम नरेश कुमारी, रजनीश चांगरा तथा अनुराग सिंह का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अतिरिक्त समय में बच्चों का उचित मार्गदर्शन किया और उन्हें भविष्य की चुनौतियों से सार्थक दृष्टिकोण रखते हुए उनका मुकाबला करने के लिए भी प्रेरित किया। इन दिनों मंडी जिला युवा सेवा एवं खेल विज्ञान के विभाग के द्वारा मंडी के पड्डल मैदान में स्थित टेबल टेनिस हॉल में 24 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में जिला के विभिन्न खंडों के युवा भाग ले रहे हैं। शिविर के दौरान युवाओं का विभिन्न विभागों के सत्रोत व्यक्ति विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी प्रदान कर रहे हैं, ताकि वे इन योजनाओं के प्रति अपने गाँव और क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर सकें। इसी कड़ी में मंडी सदर थाना प्रभारी बिनूर ठाकुर ने भी शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और पुलिस विभाग के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में युवाओं को जागरूक किया। त्योहारों का सीजन आरंभ होने से पहले ही ज्वेलर्स ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अनूठी पहल कर रहे हैं। इस बार हिमाचल के अग्रहिणी वर्मा ज्वेलर्स ने अपनी महिला ग्राहकों को ही मॉडल बनाकर उन्हें एक अलग पहचान देने का प्रयास कर रहा है। ये गृहिणियां वर्मा ज्वेलर्स के विभिन्न क्षेत्रों में लगने वाले विज्ञापनों पर नजर आएंगी, जो कि खास वर्मा ज्वेलर्स की नई कलेक्शन द सेलिब्रेशन कलेक्शन विद गोल्डन बॉन्ड का प्रचार करती नजर आएंगी। ये वे महिलाएं हैं जो वर्मा ज्वेलर्स की कई वर्षों से ग्राहक थी, जिनमें अधिक आत्मविश्वास भरने के लिए उन्हें वर्मा ज्वेलर्स की ओर से एक नायब तोहफा दिया गया है। इस मौके पर वर्मा ज्वेलर्स के एमडी अक्षय वर्मा ने बताया कि स्वर्ण की कीमतों को देखते हुए उनके द्वारा इस बार विशेषतः कम बार वाले आकर्षक आभूषण लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसकी प्रदर्शनी 28 सितंबर तक लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जो ग्राहक महिलाएं उन्होंने बतौर मॉडल ली हैं, वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिनमें से डॉक्टर, टीचर, गृहिणियां, कृषक, राजनीति से जुड़ी महिलाएं शामिल हैं, और वे आज उन्हें अपने प्रचार अभियान में शामिल कर फख्र महसूस कर रहे हैं। सोलन को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और शहरवासियों को रैलियों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे भी शहर को सुंदर बनाने के लिए अपना योगदान दें। आज भी शहर में स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। रैली की अध्यक्षता उपायुक्त सोलन के सी चमन ने रैली में स्कूलों, शिक्षण संस्थानों, नगर परिषद और जिला प्रशासन ने भाग लिया और शहर को स्वच्छ रखने के लिए सभी को प्रेरित किया। इस मौके पर उपायुक्त सोलन के सी चमन ने कहा कि
कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सोलन में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को शहर को सुंदर बनाने के लिए और इसे स्वच्छ बनाने की अपील की जा रही है, जिसमें 1 अक्टूबर तक रैलियों का आयोजन जिला भर में किया जाएगा। साथ ही उसके बाद पॉलिथीन एकत्र किए जाएंगे और ये लक्ष्य लिया गया है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी तक समूचे जिला को कूड़ा रहित बनाना है, ताकि शहर सुंदर और स्वच्छ दिखे और आने वाले पर्यटक भी सोलन को देखकर हैरान रह जाएं।